हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो अभी है शाम का वक्त, ये देखिए बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। देखिए खिड़की से दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। देखिए घास ही घास, इधर पूरा घास है। बहुत अच्छा लगता है इधर का नज़ारा देखने में। ये देखिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये शाम का समय है और चाय पानी हम लोगों ने पी ली हूँ बनाकर। यहाँ पर बर्तनों को मैं साफ़ करके रख दूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी, खाने की तैयारी में लग जाऊँगी सीधा, क्योंकि अभी बज गए हैं, लगभग 6 बज रहे हैं। तो मैं इसके बाद खाना भी बना लूँगी। तो बच्चों ने बोला है आज बनाने के लिए पनीर की सब्ज़ी और रोटी। मेरे यहाँ पनीर सबको बहुत पसंद, बच्चों को लगती है, तो अधिकतर जब भी कुछ नया बनाती हूँ तो उसमें पनीर ज़रूर बनाऊँगी उस दिन। तो क्योंकि पनीर बड़े बच्चे को बहुत पसंद है, छोटे वाले को भी पसंद है बहुत, तो हस्बैंड को भी पसंद है, तो बनाती हूँ जब भी कुछ मौका मिलता है, जैसे कि पर्व या कुछ भी त्यौहार हो। तो ज़्यादा जैसे कि मेरे यहाँ बनता है तो पनीर की सब्ज़ी ही बनती है, तो खाते हैं, सभी को पसंद है, होती है पनीर। सभी बच्चे को ना, सभी बच्चे हो या बड़े, पनीर तो सबको पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पनीर। तो पहले मैं पनीर को भूनकर इसे निकाल लूँगी। तो इसे अच्छे से मैं भूनूँगी, क्योंकि आप पनीर को ना हर तरीके से बना सकते हो। चाहे तो इसे भूनकर बना लो अच्छे से, या फिर आप सब्ज़ी में कच्चा ही डाल दो, अपना अपना तरीका है। तो जैसे मन करे वैसे खाएं अपने तरीके से बनाकर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं यहाँ पर भून रही हूँ अच्छे से, इसे तेल में तल लूँगी आज, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बनाए पनीर तो अच्छा लगता है, टेस्टी भी लग जाता है, बढ़ जाता है। तो आज इसी तरह से छान कर बनाऊँगी मैं अच्छे से इसे। पूरी तरह से कलर इसको देखिए चेंज हो गया है, थोड़ा भूरा कलर मेरा हो गया है। उसके बाद निकालने के बाद मैं इसमें जीरा और तेज पत्ता भी डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी। ये देखिए, और यहाँ पर मैं डाल दूंगी लहसुन कटा हुआ। तो लहसुन को मैं यहाँ पर पीसी नहीं हूँ, और मैं सब्जियों में ना हरी मिर्च को मिर्च का उपयोग ज़्यादा करती हूँ, लाल मिर्च को का कम करती हूँ। और इसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी और प्याज को अच्छी तरह से इसे भून लूंगी। प्याज को हल्का मैं भून लूंगी, हल्का भूरा कलर हो जाए उसके बाद ही इसमें शिमला मिर्च को मैं डाल दूंगी, और शिमला मिर्च को भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। और इसके बाद इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और टमाटर, कटा टमाटर डाल दें और इसे अच्छी तरह से भून लें, और साथ में नमक भी डाल दें और हल्का गरम मसाला भी डाल दें इसमें स्वाद के लिए। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा गलने दें, और गल जाने पर इसे अच्छी तरह से इसी तरह भूनते रहना है। और भून जाने के बाद इसमें हम पनीर को ऐड कर देंगे और इसे भी हम भून लेंगे।
तो फ्रेंड्स, मैंने झटपट से तैयार कर दी हूँ यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी, रोटी और सलाद। और सलाद में मैंने काटा है यहाँ पर चुकंदर और टमाटर का सलाद है, मिर्च और नमक, काला नमक इसमें मिलाया हुआ है। और ये है सादी रोटी जो मैंने तैयार कर दी फटाफट। और रात का समय है तो मैं यहाँ पर सबको दे देती हूँ खाने के लिए, तो बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ सब। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सुबह का टाइम और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। और उठ कर ना मैं सबसे पहले बिस्तर को ठीक की हूँ, मोड़ कर अलग रख दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गंदी हो जाती है। तो दो ही रूम है तो दोनों रूम को ढंग से रखने के लिए एक रूम तो मैं बिछा कर रखती हूँ। उस वाले रूम में मैं उतनी जाती नहीं हूँ, ना ही मेरे बच्चे वहाँ पर उतने, सिर्फ सोने वक्त ही जाते हैं वहाँ पर। लेकिन इस रूम में हम लोग 24 घंटा रहते हैं तो ज़्यादा ये रूम गंदा रहती है मेरा, तो इसलिए मैं इस रूम का खास करके बिस्तर को मैं मोड़ के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग कोई भी इसी पर बैठ जाती हूँ मैं, चाहे बच्चे भी, और बैठकर कुछ भी खाते रहते हैं, जैसे कि कुछ भी खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह सब इसी पकड़ लेते हैं, खाना वगैरह भी खा लेते हैं, नीचे भी कभी कभी बैठ के खाते हैं, नहीं तो अधिकतर चौकी पर, चौकी को मैं बेड को चौकी कह रही हूँ, तो बेड पर भी खा लेते हैं सभी बच्चे, हस्बैंड सब। तो इसलिए मैं मोड़ के रख ही देती हूँ, क्योंकि बिस्तर गंदा हो जाएगा, खाना वगैरह गिर जाता है तो गंदा हो जाता है, तो इसलिए इसे मोड़ कर रख देती हूँ। अलग से डाइनिंग रूम तो है नहीं कि मैं वहाँ पर खाना वगैरह खाऊँगी, तो इसलिए मैं इसी पर लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं इसे मोड़ कर पहले रख देती हूँ कि बिस्तर ज़्यादा गंदा ना हो मेरा। और इसके बाद मैं देखिए सारा घर में झाड़ू वगैरह मैंने दे रही हूँ मैं, और झाड़ू वगैरह बाहर भी मैं दे दूँगी। और उसके बाद मैं सब घर में पोछा लगाऊँगी, और पोछा वगैरह लगाकर अब बाहर मैं पानी से ही धो लेती हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा गंदा हो जाता है धूल मिट्टी से ना, तो इसलिए बाहर मैं हमेशा धो ही देती हूँ। और पोछने लायक तो है नहीं, ईटा है और ईटा से खरंजा किया हुआ, तो पोछने लायक तो है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर धो ही देती हूँ अधिकतर। और वहाँ पर देख रहे हैं कपड़े टांगा हुआ है, तो जो मेरा गंदे कपड़े होते हैं तो मैं वहीं पर टांग देती हूँ धोने के लिए, अंदर नहीं रखती हूँ। जो भी गंदे उतार, मैं बच्चों से भी यही कह देती हूँ कि जो भी उतारेगा कपड़ा नहाने के बाद, नहाएगा तो इसी पर टांग देना, ताकि मुझे आसानी पड़ेगी कि धोने वोने में, तो पता लगेगा ना क्या मुझे धोना है, तो इधर उधर रख देगा तो पता नहीं लगता है, तो खोजना पड़ता है घर में कहाँ, मतलब धोने के लिए। तो मैं धोने वाला कपड़े यहीं पर टांगवा देती हूँ बच्चों से, तो आसानी होती है। और देखिए यहाँ पर सब मैंने झाड़ू देकर कूड़े को भी उठा लूँगी, यहाँ पर अच्छे से झाड़ू दे दूँगी और कूड़े को उठा लूँगी, और उठाकर इसे भी मैं फेंक दूँगी बाहर उधर। तो मैंने यहाँ पर सारे घर में पोछा लगा ली हूँ, और बाहर मैं झाड़ू देकर अच्छे से पानी से धो लूँगी, और इसके बाद मैं स्नान वगैरह करूँगी
स्नान वगैरह सॉरी, इसके बाद मैं जितना कपड़े हैं वहाँ पर टंगा हुआ वो सब भी मेरा मतलब है कि धो लूँगी। मैं घर का भाषा में यूज कर लेती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े को मैं धोने के बाद स्नान वगैरह भी कर लूँगी और इसके बाद फिर से खाना में लगना है, नाश्ता करना है, खाना में लगना है। यही सब काम हम लोग सभी महिलाओं लोग को होता ही है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही वीडियो था, इतना ही आज का वीडियो था, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता इसके बाद दिखाने लगती। तो आज का वीडियो यही था फ्रेंड्स। अगली वीडियो हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।